हेलो फ्रेंड्स, आज हम बताने वाले हैं कि वो कौन कौन सा नियम है जिसके कारण ग्रुप डी में चयन नहीं हो सकता है। तो आपको यह आज मालूम चलेगा कि कौन कौन से कारणों से कोई भी विद्यार्थी जो है वो रेलवे के ग्रुप डी में चयन नहीं हो सकता है। तो देखिए, इससे बताने से पहले मैं आपको यह ज़रूर कहूँगा कि यदि आप हमारे वीडियो को अच्छा लग रहा है आप देखने में, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और यदि सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो हमें जो भी ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट मिलेंगे वो हम आप तक पहुँचाने का कोशिश करते रहेंगे। तो इसलिए आपको ये सारी बातें, आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये सारी बातें हम आपको बताएँगे। लेकिन आप इस वीडियो को अंतिम तक देखिएगा, तब आपको पता चल पाएगा। तो इसके लिए चलिए शुरू कर देते हैं हम। इसके लिए सबसे पहले आपको सबसे ज़रूरी चीज़ जो है, खासकर रेलवे ग्रुप डी में, वह है कि आपके पास एक आधार कार्ड होनी चाहिए। यदि आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म नहीं भर सकते हैं। इसके लिए आप जल्द से जल्द, यदि आप रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भरना चाहते हैं तो अपना आधार कार्ड बनवा लें, और सही आधार कार्ड बनवाएं। वो आधार कार्ड आपके सर्टिफिकेट से बिल्कुल सेम होना चाहिए, नहीं तो सिलेक्शन होने के बाद काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है। तो हमारा यह मतलब है कि सरकार ने जो नया रेलवे के सारे वैकेंसी में आधार कार्ड ज़रूरी कर दिया है, जिससे कि बायोमेट्रिक जाँच करने में आसानी हो सके। तो चलिए सब अब बताते हैं हम आपको कि इस वैकेंसी के लिए एज लिमिट क्या है। तो देखिए, इसमें जो नया वैकेंसी रेलवे ग्रुप डी में आएगी उसमें एज जो है वह मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 33 साल। लेकिन ये 18 साल और 33 साल हम आपको बताए हैं तो इसमें कुछ कंडीशन हैं अलग अलग वर्ग के उम्मीदवारों के लिए। तो कम से कम 18 साल होना चाहिए उम्र, और ज़्यादा से ज़्यादा 33 साल। देखिए, जो लड़के अभी 18 साल से कम उम्र के हैं उन्हें वो ये फॉर्म को नहीं फिलअप कर सकते हैं। तो UR यानी जनरल वाले के लिए जो रेलवे ग्रुप डी का एज है वो 28 साल होता है। OBC को इसमें 3 साल छूट दिया जाता है, तो उसके लिए 31 साल, और SC ST को 5 साल की छूट मिलती है, इसलिए उसे 33 साल तक उसकी आयु सीमा है। अब बात करते हैं कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। तो शैक्षणिक योग्यता इसमें 10th पास है या ITI, यदि आप डिप्लोमा भी किए हुए हैं तो आप इसे भर सकते हैं। देखिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो लड़के 10th पास कर लिए हैं वो इसे भर सकते हैं, लेकिन जो अभी 10th में हैं वो इसे नहीं भर सकते हैं, या फिर जो 10th का एग्ज़ाम दे दिए हैं और वो अपने सर्टिफिकेट का इंतज़ार कर रहे हैं या अपने मार्कशीट का इंतज़ार कर रहे हैं, उनका आने वाला है, तो ऐसे लोग भी इसे नहीं भर सकते हैं। यानी आपके पास 10th का सारा डॉक्यूमेंट होना चाहिए, यानी आप वैसे अभ्यर्थी इसे भर सकते हैं जिसका कि हाल के वर्षों में 10th का या ITI का सर्टिफिकेट प्राप्त हो चुका है और वो इसे पूरा कर चुके हैं। यदि आपके पास ये सर्टिफिकेट है तो इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होते हैं, देखिए बताते हैं आपको। सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले जो है, आप फॉर्म जब भरिएगा, ये सारे चीज़ आपके पास रहेगा, तो आप फॉर्म भरिएगा, तो आपके पास जब कॉल लेटर आएगा तो आपको सिलेक्शन प्रोसेस के लिए बुलाया जाएगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस का सबसे पहला चीज़ जो है वो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी CBT। ये क्या है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट? क्या है, यानी पहले ग्रुप डी में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं था, वहाँ पे OMR sheet पर परीक्षा ली जाती, लेकिन अब जो है नए नियम के अनुसार आपको कंप्यूटर पे एग्ज़ाम देना पड़ेगा, और उसमें प्राप्त अंक के आधार पर आपको आगे की रिजल्ट के लिए जाना पड़ेगा। यदि आप उसमें मेरिट बनाने में सफल हो जाते हैं तो फिर आपको फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, और उसके बाद फिजिकल टेस्ट जो कि अब दो प्रकार का होगा, और उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए आपको।
फिर ये जो फिजिकल टेस्ट है वो दो प्रकार का क्या है, देखिए अब जो है नया नियम के अनुसार वह पहले आपको 35 किलो वजन उठाकर आपको चलना होगा, और दूसरा टेस्ट जो है वह 1000 मीटर का है जिसे आपको पास करना होगा 4 मिनट 15 सेकंड में। तो दो प्रकार का अब जो है फिजिकल टेस्ट सरकार ने लागू कर दिया है महिलाओं और पुरुषों के लिए भी, एक जो है वजन उठाकर चलने वाला और दूसरा बिना वजन उठाए चलने वाला, दोनों में ही पास करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जो है आपको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बुला दिया जाएगा, यदि आप इसको पास कर जाते हैं, पेट एग्ज़ाम को पास करते हैं तो आपको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा। मेडिकल एग्जामिनेशन में क्या है, मेडिकल एग्जामिनेशन में आपको स्वस्थ होना ज़रूरी है, साथ में आप अपने आयु जो कि 6 बाई का होना चाहिए यह बहुत ही ज़रूरी है। यदि आप पूरी तरीके से मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए फिट हो जाते हैं तो फिर आपको अगला प्रोसेस के लिए बुलाया जाएगा। यानी अगला प्रोसेस क्या है वो देखिए क्या है, वो जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। यदि आप मेडिकल एग्जामिनेशन में पास हो जाते हैं तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा कि यानी आपने जो भरते समय डाटा दिया था, जो आंकड़े दिए थे, उसकी जाँच की जाएगी। उसके जांच होने के बाद यदि वो बिल्कुल सही होता है तो फिर आपको आगे के लिए फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए आपको जो है यदि आता है कॉल होता है तो फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए आपको बुलाया जाएगा। यानी फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए बुलाया क्या जाएगा, यानी जैसे ही आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते हैं उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको जितने भी वहाँ पे लड़के एग्ज़ाम दिए हैं उनके आधार पे यदि आपको मेरिट बनती है तो फिर आपका सिलेक्शन ग्रुप डी में हो जाता है। यदि आप इसमें पास हो जाते हैं यानी कि आपको सबसे ज़्यादा मार्क्स रहता है या फिर वो कट ऑफ लिस्ट जिस पे सरकार मेरिट लिस्ट जारी करेगी उस तक पहुँचने में कामयाब रहते हैं तो आप निश्चित रूप से ग्रुप डी के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। फिर आपको उपरोक्त जो खाली स्थान जहाँ होगा वहाँ पे आपको भेजा जाएगा पोस्टिंग पर। तो आपको यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।